हाय गाइस, अगर आप लोग अमेरिकन बुली को या फिर पिटबुल को परचेज करना चाहते हो तो दोनों ही सिचुएशंस में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल है। पर इसका कुछ अलग मैटर है जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले बात करते हैं पपीज की क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, पपीज जो है ये काफी अच्छी क्वालिटी में है और इनमें आप लोगों को ब्लैक एंड ग्रे कलर दोनों ही मिल जाएंगे जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। बाकी दोस्तों, अमेरिकन बुली और पिटबुल में से आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, इन पपीज में मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी जो है इनके फोरहेड पर ये व्हाइट कलर का तिलक, जो कि काफी अलग अलग डॉग ब्रीड में मिल जाता है बट ये दिखने में काफी यूनिक एंड खूबसूरत लगता है। और फ्रेंड्स, ये ब्रीड काफी पावरफुल एंड मस्कुलर होती है। अगर ये बिल्कुल फ्रेंडली भी है तो भी इनके पास जाने में काफी डर लगता है। तो इसीलिए आप लोग इन्हें एज ए फैमिली डॉग ब्रीड या एज ए गार्ड डॉग ब्रीड दोनों ही तरह से रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं, अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये इन पपीज के मदर और फादर हैं। जो सामने देख रहे हो ये इन पपीज के फादर हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और ये पॉकेट साइज में है। बट जो पीछे की साइड है वो है पपीज की मदर। बट पपीज की मदर में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, अमेरिकन बुली से ज्यादा ये दिखने में पिटबुल लग रही है। तो दोस्तों, यही एक रीजन था जिसकी वजह से क्लियरली मैंने इन पपीज को अमेरिकन बुली नहीं बोला। वैसे ओनर का तो यही कहना है कि पपीज जो हैं ये अमेरिकन बुली है। तो परचेज करने से पहले आप लोग इस चीज को लेकर जरूर कंफर्म कर लें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इन पपीज को अमेरिकन बुली ही लेकर चलेंगे क्योंकि पपीज काफी हद तक अमेरिकन बुली ही लग रहे हैं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर्स के साथ आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम आए, तो इसी वजह से मैंने जो कुछ भी था वो ऑनेस्टली आप लोगों को बता दिया है। बाकी दोस्तों, एक अमेरिकन बुली की फीमेल अपने पास भी अवेलेबल है जो कि आप लोगों को बिल्कुल लो प्राइस में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहां पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पपीज की पेरेंट्स की क्वालिटी तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूं। तो अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके उन सभी डाउट्स को क्लियर जरूर कर ले। बाकी दोस्तों, पपीज जो हैं ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तो हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्योंकि मदर को भी आप लोग लाइव देख सकते हो। तो डायरेक्ट आप लोग पपीज को मदर के पास से उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 33 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरी सिटी यानी रोहतक, हरियाणा से। एंड दोस्तों, ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट सेकंड ऑप्शन तो आप लोगों के पास अवेलेबल है ही, जो है डायरेक्ट जाकर इन पपीज को परचेज करने का। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस भी काफी रीजनेबल सा है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 12,000 पीस, 12,000 रूपए, एंड फीमेल की है जस्ट 10,000 पीस यानी सिर्फ 10,000 रूपए। लेकिन दोस्तों, प्राइस जो है ये नेगोशियेबल है, तो डेफिनेटली परचेज करते टाइम आप लोगों को इनमें डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।